राधिका, तुम्हारा कृष्ण तुम्हारे सामने खड़ा है, देखो। एक बार एक पत्नी की आंखें धोखा खा सकती है, लेकिन उसके एहसास धोखा कभी नहीं खा सकते। तुझ जैसा इंसान मेरा क्रश हो ही नहीं सकता। बताओ मुझे, कहाँ छुपा के रखा है मेरे क्रश? उसके बाद मैं तुम्हें बता दूंगी कि मेरा और नागिन का रिश्ता क्या है। जब दो शक्तियां आपस में टकराती है तो एक शक्ति का मरना तो निश्चित है। आज हमारी ये लड़ाई भी किसी एक की मौत के साथ ही खत्म होगी, और यहां मौत होगी तेरी, क्योंकि मैं अपने मकसद को पूरा किए बगैर नहीं मरूंगी। तेरे इसी मकसद को तो जानने मैं इस घर में आई हूं, और जब तक मैं जिंदा हूं तुझे तेरे मकसद में कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। दर्द अच्छे अच्छों की जुबान खुलवा देता है। देखते हैं तू ये दर्द कब तक सह सकती है। आज तू मेरे हाथों से मरेगी। मेरी ताकत मेरे सिंदूर से है, और एक सुहागन के सिंदूर में कितनी शक्ति होती है ये तुझ जैसे शैतान को अभी पता चल जाएगा। जब धरती हिलती है तब ऊंची ऊंची मीनारें भी पलक झपकते ही मिट्टी में मिल जाती है। तुम कुछ देर तो मेरी शक्तियों का मुकाबला कर सकती हो, लेकिन एक डायन से तुम कभी नहीं जीत सकती। तो जिस घर को बर्बाद करने के मकसद से आई है, उस घर की रक्षा करना मेरा मकसद बन चुका है। क्योंकि मैं इस घर में एक अधूरी कहानी पूरी करने आई हूं। राधिका और कृष की अधूरी कहानी। मैं और राधिका जानते हैं जिस कृष के लिए तूने राधिका के दिल में नफरत भरी है वो कृष है ही नहीं। वो एक बहरूपिया है। तो बताओ प्रीति, असली कृष कहाँ है? वो शतरंज का सिर्फ एक मोहरा है जिसकी बिसात मैंने बिछाई है। और असली कृष वो मेरे कब्जे में। आज सिर्फ ये नागिनी नहीं, ये भी मरेगी। खुद को बहुत चालाक समझती है, मुझसे भाग रही थी, मुझसे। एक लव स्टोरी में हीरो हीरोइन दोनों का होना चाहिए, लेकिन इस कहानी में इस हीरोइन का अंत तय है। तुम्हारी वो कहानी तब भी अधूरी थी और आज भी अधूरी ही रहेगी। इस नागिन के साथ तुम भी मरोगी।